लगता है संजय सिंह ये बेल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये कंसेशन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। संजय सिंह एंटाइटल टू कंटिन्यू विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज, परंतु ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो गणेंद्र भरद्वाज जी, एक चीज आप समझिए कि आप एक जस्टिस जो जो जज जिनको आपने कोर्ट किया है, उन जज की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन ये नहीं आई है कि ये जो केस है वो फर्जी केस है, झूठा केस है? प्रदीप जी एक बात और है, इंद्री जज साहब ने, जस्टिस खन्ना जी ने ही मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट किया। इंद्री जज साहब ने गणेंद्र भरद्वाज जी जवाब दीजिए। देखिए प्रदीप जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, आज सच जीता है। और ईडी ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपने 6 महीने से संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है, कोई रिकवरी हुई, कुछ मिला, कोई पैसा मिला, कोई मनी ट्रेल मिली, ईडी खामोश, ईडी के पास कुछ नहीं था। और जब ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच ने ईडी को लताड़ लगाते हुए यह कहा कि अब आर्ग्यूमेंट पे आओगे या मैं बेल दूं, तो ईडी ने सरेंडर कर दिया, बोले जी नहीं, हमें बेल दे दीजिए, हम आर्ग्यूमेंट पे नहीं आएंगे। क्योंकि तो आर्ग्यूमेंट पे आएंगे तो विटनेस दिखाना पड़ेगा, मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी, लेकिन कुछ है नहीं। इस लॉजिक के हिसाब से गीता भट्ट और अनुराग भदौरिया जी, इस लॉजिक के डिबेट को खोलना चाहता हूं मैं, हरिशंकर गुप्ता जी आपके पास भी आ रहा हूं, पर इस लॉजिक से नहीं आ रहा हूं मैं, सिरसा जी आ रहा हूं, मेरे को एक लॉजिक को एक्सटेंड करने दीजिए, इस सिरसा जी में आ रहा हूं, प्लीज सिरसा जी में आ रहा हूं, इस लॉजिक को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई तो उस वक्त में क्या ईडी का केस स्ट्रांग, मतलब आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो सबूत है वो स्ट्रांग है, संजय सिंह के खिलाफ सबूत है वीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये लॉजिक लगाया जाएगा? और अगर यही लॉजिक है गीता भट्ट जी, तो जितनी बार बेल रिजेक्ट होगी तो उतना बार हम ये मानेंगे कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है, अगर यही लॉजिक लगाया जाए? गीता भट्ट और अनुराग भदौरिया, पहले गीता भट्ट। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि कोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड है वो बार बार जाता है और बेल की जो है दरखास्त वहां करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हर बार जो है बेल जो है कोर्ट दे दे। परंतु आज देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि वहां न्यायाधीशों ने ये बात कही कि हम ये ट्रायल चलता रहेगा, हम ट्रायल को रोकने के लिए नहीं कह रहे, आप ट्रायल को चलाइए, ये उन्होंने बोला है ईडी को। एफआईआर क्वाश नहीं हुई है। हाँ, एफआईआर क्वाश नहीं हुई है, कहे ट्रायल चलता रहेगा और आप बताएं कि क्या हम इन्हें बेल दे दें या आप उसका विरोध करेंगे। तो ईडी ने उसका विरोध नहीं किया है, सिर्फ इतनी है। मैं आज सत्य के साथ खड़ा हूँ अनुराग भदौरिया जी, और आज मैं दिल्ली की जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है ये व्यक्ति जो बार बार ऑफर दे रहा है, मंजिंदर सिंह सिरसा और अनुराग भदौरिया, पहले अनुराग भदौरिया जी आएंगे, कौन है ये व्यक्ति जो बार बार ऑफर दे रहा है दिल्ली के अंदर? क्योंकि अगर ये व्यक्ति है इसको एक्सपोज करना जरूरी है, और ये रिपीटेडली ऐसा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी, कि आपको चिंता नहीं हो रही कि कोई एक व्यक्ति है जो अभी तक मिस्टर इंडिया टाइम जो अभी गायब है, पता ही नहीं कौन है, और ये व्यक्ति 2022 से है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी कह रही कि उनको कॉन्टैक्ट करा जाता है, पर वो व्यक्ति सामने तो आता नहीं है अनुराग भदौरिया जी, तो क्या ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आरोप झूठे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति को लाइए, एक्सपोज करिए, कौन बीजेपी के अंदर ज्वाइन करवाने की बात कर रहा है और ईडी का केस बंद कराने की बात कर रहा है। बात बार बार आप कह रहे हो कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है अरविंद केजरीवाल की पत्नी के बारे में क्या वो राजनीति करेंगी, दिल्ली की जनता जानना चाहती है आम आदमी पार्टी को कौन चलाएगा, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। एक भी वर्ड मैंने यूज नहीं किए कि क्या वो राजनीति, सॉरी आप मुझे मिसकोट मत करिए, मैं एक बार आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैंने कहा है कि अब आगे होगा क्या, मैंने नहीं पूछा, मैंने ये नहीं बोला कि वो राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं पूछ रहा हूं दिल्ली की जनता जानना चाह रही है आगे सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। वही दिल्ली की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती, उसके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को जिताया है, आम आदमी पार्टी की सोच को जिताया है, उनकी नीतियों को जिताया है, उनके विचारों को जिताया है, और विचार तो पार्टी के होते हैं, तो पार्टी तो चल रही है ना, बीजेपी परेशान है भाई, हमने इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी कैसे चल रही है सरकार तो नहीं चलनी चाहिए, इसलिए बार बार कहती दिल्ली की जनता जानना चाहती। दिल्ली की जनता तो पहले जान गई थी कि भारतीय जनता पार्टी देश का दिल्ली का हित नहीं करेगी, इसलिए आपको हरा दिया था, और हरा के सिरसा जी की 3-4 सीटों में समेट के घर बैठा दिया था,
फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोले दिल्ली की जनता जानना चाहती है। अरे दिल्ली की जनता ने तो आपको हरा दिया, फिर क्या जानना चाह रहे हैं? सवाल ये है खत्म हुआ हुआ है तो फिर आज ये मत कहिए अनुराग जी लोकतंत्र खत्म हुआ है। वही लोकतंत्र के अंदर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है तो फिर ये मत कहिए कि लोकतंत्र खत्म है और जाके राहुल गांधी जी को फोन करिए और हरिशंकर गुप्ता जी को जरा दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी ने बड़ी अच्छी बात करी आज, पहली बार मैं अनुराग भदौरिया जी से सहमत हूँ। हरिशंकर गुप्ता जी आज अनुराग भदौरिया नहीं, मैं अपने आपकी पॉइंट को मैं आपको लाना चाहता हूँ। आपने आपको ही दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ इलेक्शन रिग्ड नहीं है देश में। देखिए इस देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान और बार बार इनके सांसद, अभी देखिए ज्योति मिर्धा जी लड़ रही है, उन्होंने क्या कहा अपनी रैली में संबोधित कर रही हैं कि हमें जीतना है क्योंकि संविधान को भी ठीक करना है, यही तो कह रही है अपनी रैली में। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं, जिनकी मंशा पे शंका नहीं होगी कि क्या संविधान बचा यहां संविधान परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या लोकतंत्र बचाने के लिए, तो विपक्ष लड़ रहा है संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत है तो देश मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है तो यहां की जनता मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है अगर यहां संविधान मजबूत है तो हर व्यक्ति सुरक्षित है, और ये संविधान और लोकतंत्र यहाँ का इतना मजबूत है इसलिए विश्व में हमारा डंका बजता है, और आप उसी जो हमारे पिलर उसी को कमजोर करने की अगर बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे तो ये चिंता की बात है। फैक्ट क्या है इसमें? फैक्ट है कि इनके अच्छा नहीं इनके सांसद ने नहीं कहा, इनके दो दो सांसद बोल चुके हैं 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है, पर इससे संविधान बदलने की बात करते हैं ये तो संविधान बदलने की बात करो भाई, जवाब दीजिए, आप चुनाव लड़ने आए हो देश के अंदर में, जवाब दे सिरसा जी, जवाब दी, हरिशंकर गुप्ता जी के पास आ रहा हूं मैं, सिरसा जी जवाब दीजिए। इनके नजर में संविधान कब खतरे में आ जाता है? जब गांधी परिवार पे करप्शन की कार्रवाई आएगी तो संविधान खतरे में है, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के ऊपर खतरे पे आएगा तो संविधान खतरे में, अखिलेश जी के ऊपर अगर कार्रवाई होगी करप्शन में तो संविधान खतरे में, अगर मायावती जी के ऊपर खतरा होगा तो खतरे में, ममता जी के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो संविधान खतरे में है, मंत्री से 52 करोड़ रुपया पकड़ा जाएगा। हमारे प्रवक्ता साहब को इतना बता देना कि जब ये बोलेंगे मैं इसी तरह के बोलूंगा। अनुराग जी, अनुराग जी वो सुन रहे थे, आपको उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी सुनने तो ऐसा है, जब ममता जी के घर से 52 करोड़ जाता है तो संविधान खतरे में है, जब ममता जी के मंत्री के घर में से 52 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जाता है तो संविधान खतरे में है, और जब कांग्रेस के एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया नगद पकड़ा जाता है, 350 करोड़ रुपया नगद पकड़ा जाता है तो संविधान खतरे में है, 350 करोड़ रुपया मिलना संविधान खतरे में है, ममता जी के मंत्री के घर से 52 करोड़ रुपया मिलना मतलब संविधान खतरे में है, बोवर्स का पैसा खा लेना संविधान खतरे में है, नेशनल हेरल्ड न्यूज पेपर की जायदाद को खा जाना मतलब संविधान खतरे में है, तू जी और जीजा जी आ जाएंगे संविधान खतरे में है, कोल खा जाओ संविधान खतरे में है, 12 लाख करोड़ का हिसाब मांग लो इनसे, 12 लाख करोड़ का हिसाब खतरे में है। देखिए क्यों नहीं बोलने दे रहे मेरे को, क्योंकि इनको पता है सच सामने आने लग पड़ा, भदौड़िया जी को समझ लगा मुझे भागना पड़ेगा, भदौड़िया जी आपको दौड़ना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आप सच नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपको सच सुनने की आदत नहीं, आपको संविधान खतरे में दिखता है। और जितनी देर मैं बोल रहा हूँ देश के लोगों को और टीवी चैनल को जी टीवी को याद रखना चाहिए, मेरा निवेदन है, मैं सिरसा जी और वेरी सीनियर स्पोक्सपर्सन, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, नहीं मैं ये गलत है, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना प्लीज, इसी तरह टपकूंगा क्योंकि मुझे एक सेकंड भी नहीं बोलने दिया, बोला कोई नहीं, भदौड़िया जी को बोलने, सिरसा जी और हरिशंकर गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ मैं, अनुराग जी आ रहा हूं मैं, अनुराग जी थोड़ा कभी कभी ना बैटिंग जब करते हैं, अनुराग जी सुनो मैं आपको एक थोड़ी सी, जैसे बोलेंगे जितनी देर बोलेंगे चैनल पे, अनुराग जी जितनी देर बोलेंगे उतनी देर मैं बोलूंगा, निरंतर बोलूंगा, भदौड़िया जी आपको मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के पापों को नहीं भूलना चाहिए, आपको चारा घोटाला नहीं भूलना चाहिए, आपको घोटाला नहीं भूलना चाहिए, आपको ममता जी के घर से 52 करोड़
संविधान अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है। संविधान अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के हिसाब से हिस्टोरिकली अलग अलग बार लाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर कोई बदल नहीं कर सकता है। इतिहास में हमने देखा है कि राजीव गांधी जी के पास जब पूर्ण बहुमत थी तो शाह बानो का फैसला आया गया था, और उसी तरीके से जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है बीजेपी सीए का फैसला लेके आई। तो संविधान का अमेंडमेंट कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदला जाए।